उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू मिशन का 13वां दिन अभी भी 14 मीटर की दूरी है। मजदूरों को निकालने के लिए डाले गए पाइप का सिरा पिचका, पाइप का हिस्सा काटना पड़ा। सुरंग के बाहर 20 से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात, मौके पर एनडीआरएफ के जवान भी तैनात। टनल में फंसी है 41 जिंदगियां। उत्तराखंड एक्सएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों से की बात, उनका हौसला बढ़ाया। बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ और हम लोगों को उम्मीद भी है। राजौरी में सेना का सैनिटाइजेशन जारी, मुठभेड़ में 2 कैप्टन समेत 5 सैन्यकर्मी शहीद, 2 जवान घायल। आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए शहीदों का पार्थिव शरीर पहुंचा जम्मू, दी गई श्रद्धांजलि। राहुल गांधी की फिर से बड़ी मुश्किलें, पीएम को लेकर बयान पर 25 नवंबर तक देना होगा जवाब। मुख्यमंत्री भगवंत मान किसान यूनियन नेताओं से करेंगे मुलाकात, दोपहर 12 बजे से है मीटिंग। यूपी के संत कबीर नगर की चर्चित यूट्यूबर्स मालती चौहान का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज हितधारकों के साथ करेंगे बैठक, अश्विनी वैष्णव की हितधारकों से मुलाकात से ठीक पहले रखी गई है बैठक। आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर अभियान शुरू करने की संभावना, केजरीवाल को ईडी समन के विरोध में शुरू कर रहे हैं अभियान। बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन, मोहन भागवत का बयान, विश्व एक परिवार है और हम सभी को बनाएंगे आगे। महुआ मोइत्रा मामले में लोकसभा सचिवालय ने बदले नियम, पासवर्ड और लॉग इन को लेकर किए गए बदलाव। चुनाव आयोग में एनसीपी के दोनों ही गुटों को लेकर अहम सुनवाई, शरद पवार, सुप्रिया सुले, पार्थ पवार रहेंगे मौजूद। अफगानिस्तान के दूतावास का आया संदेश, दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने का ऐलान। पठानकोट ने पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की अपील को स्वीकार किया, अगली सुनवाई जल्द होगी। किसी अन्य कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, तेलंगाना में युवाओं की हत्या करने का लगाया आरोप।